दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम विलास बागी। दोस्तों जन्मदिन स्पेशल वीडियो में आज बात एक ऐसे जन नायक की जिसे कुटिल इतिहासकारों ने इसलिए किताबों में स्थान नहीं दिया क्योंकि वह महानायक आदिवासी समाज से आता था। जी हाँ दोस्तों, आज बात महान स्वतंत्रता सेनानी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले महान क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा की। दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर के जलखड़ गांव में पिता कर्मी मुंडा और माता सोना मुंडा के यहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा का जीवन बेहद संघर्षों भरा रहा। बिरसा मुंडा बांस की झोपड़ी में रहते हुए भेड़ चराते हुए पले बढ़े। दोस्तों बिरसा मुंडा जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए। बात 1894 की है, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर माफी के लिए अपने आदिवासी क्रांतिकारियों के साथ मात्र 19 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिए और अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 साल की सजा हुई। जेल से आने के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा की जा रही आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई जारी रखा और सन 1900 आते आते बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बड़े पैमाने पर फूंक दिया और तीर धनुष कुल्हाड़ी गुलेल आज से लैस बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया और तमाम अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह बगावत उल गुलाम नाम से प्रसिद्ध हुई। बिरसा मुंडा को इस विद्रोह की अगुवाई करने की वजह से 3 फरवरी सन 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून सन 1900 को मात्र 25 साल की उम्र में इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस रांची जेल में ली। इस क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की मौत कैसे हुई इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों कुटिल इतिहासकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारत भूमि के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले क्रांतिकारियों को किताबों में स्थान नहीं दिया, सच छिपाया, लेकिन वे चाहकर भी उल गुनान विद्रोह जो सन 1894 से 1900 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ हुआ के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा को दुनिया से परिचय को नहीं रोक पाए। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष किया, बलिदान दिया, वह असाधारण है। हालत आज भी वैसे ही है जैसे बिरसा मुंडा के वक्त थे। आदिवासी अपनी जमीनों से खदेड़े जा रहे हैं, उन्हें नक्सली बताकर मारा जा रहा है। आदिवासी बच्चियों की असमत दरिंदे नोच रहे हैं। दिकू यानी अडानी अंबानी अब भी है। जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और अब भी नहीं है। उल गुलान यानी क्रांति की जरूरत है पर बिरसा हमारे साथ नहीं है। फिर भी वर्तमान समय के तमाम बिरसा उल गुलान जारी रखे हुए हैं। फर्क यही है, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, आज अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। धरती आबा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन नायक बिरसा को जन्मदिन पर हुल जोहार, उल गुलान जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय भीम, जय मंडल। दोस्तों यदि वंचित समाज की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।